वीडियो में देखते थे ड्रैग रेस में 200-200 जा रही है गाड़ी, एक्चुअल में कैसी लग रही है ऐसा पोपट होएगा ना, बिल्कुल नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका एपिसोड 5 में अपनी गोवा सीरीज की। आज जो है ये डे, आज है 13 तारीख। आपका हो गया 11 तारीख के बाद सीधा 13 तारीख का दिखा रहे हो? हाँ, 13 तारीख का दिखा रहे हैं, क्योंकि कल जो है हमारा भाई बिल्कुल ही रेस्ट डे हो गया, क्योंकि हम परसों रात को लेट आए थे। अगले दिन हम फिर लेट उठे, मतलब 12 तारीख को सुबह 12-1 बजे उठे हम। उसके बाद भाई जो प्रथम है उसकी तबीयत का थोड़ा डामाडोल चल रहा था, इसकी तबीयत थोड़ी बढ़िया नहीं थी। आज ठीक है तू? ठीक है पहले से। क्या दिक्कत क्या आ रही थी तेरे को? कुछ नहीं, जब मैं ट्रिप से पहले ही बीमार हो रखा था, वायरल हो रखा था तो ठीक नहीं हुआ था, वो बार बार बीच बीच में टॉन्सिल्स हो जा रहे हैं। मतलब यही है भाई, फिर इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और सारे फिर है ना, हम ये सोच रहे थे अब हमें एक दिन वैसे ही एक्सटेंड हो गया और हमें और जगह भी जाना है, तो हमारी ये समय रेस्ट भी जरूरी है भाई। तो फिलहाल आज जो है हमारा क्या प्लान है? वाटर स्पोर्ट्स। अभी हम चारों जो है रेडी हो चुके हैं। मोहित भाई जो है वो नहीं जाने वाले, कहते कि भाई मैं तुमको बाद में ज्वाइन कर लूँगा, अभी मेरे को मतलब वो वाटर स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं चलो ठीक है भाई, फिलहाल जो है 12:40 हो रखे हैं और मैंने शॉर्ट्स जो है ना अंदर से ही पहन ली। उस दिन भाई बोले आपको डर लगता है क्या पानी से? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को लगा मैं चेंजिंग रूम है ना वहाँ पे ही होगा, पर वो चेंजिंग रूम था नहीं कोई। और यार फिर थोड़ी सी शर्म आती है, मैं यार अब बीच पे ही रहना है तो अपना बाद में कर लेंगे, फिलहाल चलते हैं भाई। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी तक हमारी टोटल जो गाड़ी चली है ना वो चली है 2007 किलोमीटर। भाई फिलहाल दोनों गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और मैं और प्रथम आ गए हैं द क्रश कॉफ़ी पे। इसकी कॉफ़ी मैंने कल पी थी, मेरे को तो स्वाद आया था। और जब से मैं गोवा आया हूँ ना भाई, मैं हूँ कॉफ़ी एडिक्ट, कोल्ड कॉफ़ी एडिक्ट। मेरे को दिन की 2 से 3 कॉफ़ी चाहिए रहती हैं, तो अब दिन की पहली शुरू कर दी। अब ज़्यादा कुछ हम खा नहीं रहे क्योंकि फिर वहाँ पर जाके वही चीज़ होनी है, ये चीज़ ना होए, फाउंटेन ना चल जाए। इसलिए हम यहीं पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पी के कुछ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी 15 मिनट तो लग ही जाएगी। ऐसा पोपट होएगा ना, बिल्कुल नहीं सोचा था। भाई 2-3 दिन से हम 2 दिन से रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि आज आप लेट हो गए, कभी कहता है कि आज हो नहीं पा रहा, आज भीड़ ज्यादा है। आज भाई हम टाइम पे हैं तो सर का कहना है कि आज हाई टाइड्स हैं तो आज नहीं हो पाएगा, मतलब आज लहरें जो है ना बहुत तेज से चल रही है तो कुछ भी हो सकता है यार। आज का भी दिन यही होएगा यार, कल है ना भाई, मैं बता देता हूँ, कल जैसे तबीयत खराब थी ना फिर हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब हम थोड़ी शाम को बस खाने पीने बाहर गए थे, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैं यार ये तो ब्लॉग खींचने वाली बात है, पूरे दिन कमरे का क्या दिखाऊं मैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो क्या ही दिखाना है, तो यहाँ से भाई रिफंड ले लिया है, अब चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? शुरू हो जाओ। 1, 2, 3 अरे कहाँ चल बिल्कुल निकला है पहले बराबर निकल गया, पर तू बाद में निकला। नहीं पहले तू निकला भाई। हेलो तो भाई फिलहाल आप कहोगे कि ये वर्टस वाले लोग अब ये स्कोडा की कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, तो ये है भाई स्कोडा की रैपिड। भाई कैसे हो भाई? हमसे अभी मिलने आए हुए थे, कहाँ से? पंजी से। यहाँ से कितना किलोमीटर? 22-23 और भाई के पास रैपिड है 2000
2019 मॉडल, वही एनए वाला। और प्रथम आपने भी ये गाड़ी चलाई, दो शब्द दो पंक्ति भाई। बढ़िया गाड़ी है, पीछे से तो कंफर्टेबल है काफी, वर्टस से ज्यादा। ये थी भाई वो रैपिड, मतलब चलाने में वही है यार, अलग से फील हो रहा है कि हम कोई इंजन, हम कोई एनए इंजन चलाने लग रहे हैं, तो फर्क अलग से पता चलता है। और मैं ये आज ये भाई आ रखे थे, तो ऐसे ऐसे ना भाई मिलते रहते हैं हम यहाँ मार्केट मार्केट में जाते हैं। तो अगर वैसे फिर बता रहा हूँ, अभी हम हैं 14 तारीख तक, तो किसी भाई को भी मिल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या जब हम यहाँ से चले जाते हैं ना, तब भाई कईयों के मैसेज आते हैं कि भाई हम, मैंने मैसेज करा था, मैं आपसे मिलना था, वो वाली बातचीत है भाई। भाई कैसा रिएक्शन, क्योंकि हमेशा वीडियो में देखते थे ड्रैग रेस में 200-200 जा रही है गाड़ी, एक्चुअल में कैसी लग रही है भाई? एकदम मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। अच्छा ये बताओ, अब पहले ना ये सारी यूं कह रहे थे कि ये व्हाइट कलर की लग रही है, ऐसा कुछ है? ये ग्रे और क्रीम और इसका सबका मिक्स टोन है पूरा, व्हाइट हर मौसम का है ना, हर लाइट में इसका अलग वो है ना, पता चला ऐसे बार, तो थोड़ा ब्लूइश लगेगी ग्रे में, तो एक नंबर पे टिंट के बाद है ना ये बहुत ज्यादा मस्त लगी है। अगर ये टिंट ना होती ना तो शायद थोड़ा फीका पड़ जाता हां दिखने में, पूरी डार्क में तो भाई तो अलग ही लगेगी। ये वाली खुद अब ब्लैक लग रही है शाम को, पर दिन में ये बिल्कुल ग्रे लगती है। अभी तो ब्लैक लग रही है पूरी। भाई सही है सर। यो कौन था कि ध्यान कर, तो बस ही रॉक स्टार दे हो यार, रॉक स्टार। A few moments later. तो भाई फिलहाल कहाँ पे आ चुके हैं? कालिंग रोड पार्किंग, बीच की पार्किंग, वहाँ पे अपनी वर्टस होगी है। मोहित भैया भी आ चुके हैं। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड, यू से गुड, फाइन, एंजॉयिंग? यस, वेरी वेरी एंजॉयिंग। चिप्स खा लो फ्रेंड्स। ये वर्टस यहाँ पे खड़ी कर दी है भाई, और ये अब स्टोरी लगाएगा बीच में से, बिल्कुल बीच में से लेगा इसकी, देखना। 4 दिन हो गए तेरे को सेम स्टोरी डालते हुए, बीच में नू नू कर देगा। उन्होंने बताई थी भाई, आ रहे मजे अभी चलने तो रहे। आई लव गोवा लिख रखा है भाई, भीड़ है, अब यहीं पे कहीं बैठते हैं। फेल हो जाता है। इस शख्स ने बोला था वो जूते पहन के चलते हैं, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं है। अब भाई ये मेरे फालतू में अपने फैशन में पैर का आया, मेरे मैं कूल लगना चाहिए ना यार। ऑलवेज वेयर चप्पल, चप्पल यार, जब मैं चप्पल पहनता हूं तो सारे हुए थे, मेरा तो ट्रैक्शन लूज हो रहा जूतों में, ट्रैक्शन पड़े। फिलहाल है ना हमने वो चमचमाते ये ले लिए रेबैन के चश्मे, रेबैन के चश्मे मैंने लिया व्हाइट कलर, भैया ने लिया ब्लू कलर के, और इन सब ने ले लिए चूड़ी हाथ में कलर वाली। कौन सा कलर? पर्पल भाई का है, ब्लू चश्मा और ये उल्टी दे, बड़ा साइज ले, एक बड़ा साइज ले कर ये ना हो भाई। यहाँ पे पीछे जो है लहरें बढ़िया तेज चल रही है यार, पीछे लहरें चल रही है, और तभी इन्हीं की वजह से आज हमारा वो सारा प्लान कैंसिल हुआ है। नहीं डेली होती है रात में, चल रात में तो अभी ना वहाँ पे पास भी तेरे को जाने नहीं देंगे, तो दिन में तो हो ही जाता है यार। लो भाई यहाँ लिख रखा है आई लव गोवा फोटो, तो अंधेरे में भाई इतनी खास आती नहीं है यार, पता ही नहीं लगेगा, दिन में ही कभी देखना पड़ेगा। फिलहाल खाना वाना है, थोड़ा बहुत स्नैक्स यहाँ पे खाए हैं, अब यहाँ से निकल के हम बाहर खाएंगे एंग्री सरदार पे। और अभी ये भाई का प्लान बन रहा है M340 आएगा है। तो भाई अब ये बताओ, अब जैसे आप वो गाड़ी प्लान नहीं बन रहा है, बुक करा दी है। अच्छा बुक करा दी है, तो अब ये बताओ जैसे अब आपने कौन सा कलर में बुक कराई है?
तो इसका लग रहा है भाई नया वाला 2023 वाला जो वेरिएंट आया है इसमें दो ही कलर दिए हैं, एक ग्रे और एक ब्लू। ग्रे और एक ब्लू, तो आप कौन सा ले रहे हो? ब्लू कलर में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करा रखी है, तो अगर आपको कहीं से पीपीएफ करानी है तो आप कहाँ से कराओगे? सी भाई को भी अपनी गाड़ी में सेरेमिक कोटिंग या पीपीएफ या कुछ भी कराना है तो आप जो है डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो से करा सकते हो। इन्होंने जो है मेरा पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड कर रखा है, तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे आप नंबर दे सकते हो, अगर मेरे नाम से जाओगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। इनके जो ब्रांचेस है काफी काफी सिटीज में, जो कि आपको नीचे आप फोन करोगे तो आप एक बार इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुड़गांव में भी ओपनिंग होने वाली है, 1 तारीख तक ओपन मेरा मानना है हो जाएगा। उसके बाद हम भाई जयपुर साइड ही खोलेंगे राजस्थान में, तो जो राजस्थान के भाई हैं वो वहाँ पे करा सकते हैं। मतलब हम ये चाहेंगे पूरे इंडिया में हर भाई तक वो शोरूम मतलब पहुंचे की फैसिलिटी आए कि हाँ भाई यहाँ पे हम अपना काम ट्रस्ट से करा सकते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी पे करवा रखी है और मैंने अपने घर पे लगभग हर गाड़ी में कुछ ना कुछ उस पर करा ही रखा है, तो कोटिंग करा रखी है, तो वो सारा जो है वहाँ पे करा सकते हो अपने नाम से जाओगे तो वही है ना भाई, डिस्काउंट मिलेगा आपको। कि अगर मैं वहाँ से कराऊंगा जैसे मान लो कि कहीं से फट गया कुछ हो गया, हाँ तो हम आपके घर पे आएंगे जयपुर और पूरा करके ठीक करके जाएंगे। हम वो पूरा हाँ, वो देते सर्विस। हाँ मतलब जहाँ डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो का मानना है कि जहाँ से कस्टमर आ सकते हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं। अच्छा होम सर्विस देते हो? हाँ। अरे वाह, मतलब मेंटेनेंस होती है, अगर कोई दूर जा रखा है तो हम उसके घर पे जाके ठीक करके आते हैं। ये तो अच्छी बात है भाई, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब कई स्पेशल आए भी हैं भाई बाहर, बहुत दूर दूर से भी आए हैं, मध्य प्रदेश भी जा रखी है गाड़ी मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि मैंने अपने मैं पहले 630D ले रहा था, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू कर दी, तो अब खैर BMW का वो है कि करना है क्या करना है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो उनका डिसीजन है, उनकी गाड़ी है BMW की। तो 630D में व्हाइट में ले रहा था। अच्छा, तो उसमें भी ऑप्शन कम आते हैं, ये जो हाई एंड गाड़ी होती है ना इसमें कलर का ऑप्शन पता नहीं देती नहीं है, दो तीन ही देते हैं, तो उसमें भी ब्लैक ग्रे और व्हाइट ही था, तो मैं व्हाइट ले रहा था, मगर मेरे को व्हाइट चाहिए नहीं थी, तो मेरे को पेंट कराना था, मतलब पेंट जॉब कराना था अपनी गाड़ी में, वो जो फरारी का येलो होता है ना वो वाला कलर। अच्छा, तो मैंने अपना, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे मैंने एक चैनल का वो देखा था और बहुत ही अच्छी फॉलोइंग है उस चैनल की, वो ये काम करते हैं ये मॉडिफिकेशन और कलर वलर गाड़ी का, मगर वो दूर है यहाँ से जयपुर से काफी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा कि आप हमारे से मत कराओ, क्योंकि जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि दूर है बहुत। और बताओ, और हम तो 250 किलोमीटर दूर सर्विस मिल रही है। तो अगर भाई कह रहे हैं कि होम सर्विस देते हैं, भले आप गुड़गांव से जयपुर आना पड़े, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसी सर्विस तो शायद ही कोई देता हो। और मैं ये बात बता नहीं रहा, ये काम होता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये ऐसी ऐसी काम करे हैं। MP से आई थी भाई स्कॉर्पियो N, उस पर हमने PPF करवाई थी डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो से, उसकी मेंटेनेंस पे जाना था, तो स्पेशल बंदे गए हैं MP में गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए और ठीक करके अपने अगले दिन उल्टे भी आ गए, तो इसीलिए जो है मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ डाउनटाउन डिटेलिंग स्टूडियो। हाल जो है भाई, दोनों गाड़ियां लेकर आ चुके हैं एंग्री सरदार कोर्टयार्ड, जहाँ पे हमारी बढ़िया दोस्ती हुई थी। ओए, दोस्ती वाली जगह पे आ गए हैं एंग्री सरदार पे, दोनों गाड़ियां यहाँ लगा दी हैं। उस दिन हमने मेन रोड पे खड़ी कर रखी थी, इसी जगह पे हमारी वो सारी दोस्ती हुई थी। अरे प्रथम गाड़ी देख, टर्बो याद तो नहीं आ रही है भाई, खाना आ गया है, खाना खा लेते हैं और खा के चलते हैं अपने अपार्टमेंट और भाई फिर अपना सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। खाना वाना खा लिया हमने और एज यूजुअल भाई यहाँ का खाना बढ़िया है, खाना बढ़िया है हमने भाई, चावल और वो सारा आपने देख लिया हमने क्या क्या मंगाया था। अब भाई बताओ ऐसा क्या हो रखा है, अब है ना हम रोज घर पे ही ऑर्डर कर रहे थे ज्यादातर खाना ना, और वो ठंडा ठंडा हो जाता था, मतलब वही मजा थोड़ा कम आ रहा था, तो आज हम यहीं पे आके खा रहे हैं और यहीं से ही खाना मंगाने लग रहे थे,
ठीक है चलो प्रमोशन कर ही देते हैं। बाकी भाई तुम्हारे पास हमारा नंबर नंबर भी शायद होगा तो तुम पैसे वो रिफंड कर देना ठीक है। ठीक है फिर मैं प्रमोशन होगी तुम्हारी तो ठीक है। वैसे आ सकते हो आप यहाँ पे, मतलब अगर कोई खाना ढूंढ रहा हो ना गोवा में, क्योंकि भाई जो अपना वहाँ नॉर्थ के ना उन्हें मुश्किल ही पसंद आएगा कहीं कहीं। पनीर पनीर बहुत टाइट है भाई, बहुत टाइट पनीर, बहुत मुश्किल से पनीर बहुत टाइट है। और खाना भी वो जो अपने दिल्ली राजस्थान साइड का जो स्वाद आता है ना वो यहाँ मिलेगा ही नहीं, वो नहीं मिलेगा मतलब यही है। तो यहाँ का खाना ना हमें ठीक लगा, ओवरऑल ठीक ठाक रेट प्राइस वगैरह भी सब सही है। और अगर किसी को कॉफी वगैरह पीनी हो, क्योंकि मैं जैसे सुबह आपको अपने ब्लॉग में देखा ही था भाई, मतलब मेरे को जैसे कोल्ड कॉफी चाहिए ही चाहिए होती है, तो कॉफी वगैरह के लिए आप जा सकते हो क्रश कॉफी, द क्रश कॉफी पे वो ठीक है। मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ कि अगर कोई पहली बार हो या जिसको नहीं पता हो, कोई ढूंढ रहा हो, तो भाई वो यहाँ पे जा सकता है। पर्सनली मेरे को, मेरा रिव्यू मांगोगे तो मेरे को तो बहुत सही लगा था वो, इसलिए मैं जो है वो आपको बताने लग रहा हूँ ये बात। और फिलहाल जो है अभी 12:50 हो चुके हैं, 12:40 हो चुके हैं, और अभी 45 हो चुके हैं। और भाई को अभी हम छोड़ रहे हैं होटल में, क्योंकि भाई की कल पूरे दिन फ्लाइट में जाएगा, ले ओवर है 5 घंटे का बॉम्बे में भाई। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली, डायरेक्ट थी मगर उसका टाइमिंग ऐसा था सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे के लिए कौन 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के निकलेगा, पूरी रात खराब हो जाती है भाई यार। तो भाई को कल छोड़ेंगे, सुबह 9 बजे निकलना है हमें, तो अगले मतलब नींद ही आने लग रही है। मैं सही बताऊँ ना, यही था भाई आज मेन हमारा था कि हम है ना अपना वहाँ पे जाके वो वाटर स्पोर्ट्स जो है वो करेंगे, और वो अब हमारा होएगा परसों मॉर्निंग में करेंगे। तो अभी फिलहाल भाई को होटल छोड़ते हैं, हम अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, सोते हैं। और ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। मतलब यही है यार, थोड़ी प्रथम की ना थोड़ी तबीयत बिगड़ रखी, तो मैं ना थोड़ा घूम कम पा रहे हैं, कल का भी दिन हमारा ऐसे गया, और अभी अभी खाना खाया उसकी फिर वॉमिटिंग हुई है, तो भाई दवाई भी हम देने लग रहे हैं उसको, तो एक बार वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि भाई हम आ भी इतनी दूर रखे हैं तो हमें अपना ठीक ठाक वापस भी जाना है सही सलामत। तो आराम आराम से जो है हम सारा कर रहे हैं भाई, क्योंकि भाई अब इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी हम अब अकेले जाके, तो भाई अब क्या ही वो मजा ही नहीं रहता, जब सारे साथ में आए तो साथ में घूमेंगे। और अभी 2 दिन लगातार गाड़ी और चलानी है। हाँ क्योंकि भाई अब यहाँ से रोहतक भी तो जाना आए हैं, तो वापस भी जाना है, तो बीच बीच में जैसे घूमते फिरते जाना ही जाएंगे हम, मुंबई भी आएंगे। अब वो क्या टाइमिंग रहेंगी, क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेज आने लग रहे हैं कि भाई हम वहाँ हैं। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे आपको जो है पता चलता रहेगा कि हम कहाँ आएंगे, किस रूट से आएंगे, कैसा कब रहेगा। और बाकी आप ब्लॉग्स तो देखोगे, उसमें भी मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।